हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V27 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैग्निफिकेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैग्निफिकेशन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहां पर ये मैग्निफिकेशन के इस पेज में आपको ये नीचे की साइड ये जो मैग्निफिकेशन शॉर्टकट ऑफ लिखा हुआ है ना, इसके नेम के ऊपर ही आपको टैप करना है, तो आपका जो है ना एक ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, इसमें आपको जो है ना कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं इसे ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेता हूं, राइट टिक लग जाएगा बॉक्स में, इसके बाद आपको जो है इसे सेव के बटन पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका जो है ना मैग्निफिकेशन सेटिंग इनेबल हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे मैग्निफिकेशन का ये शॉर्टकट बटन आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ये अभी ये सेटिंग काम कैसे करती है मैग्निफिकेशन, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप इस सेटिंग को इनेबल करके आप इसे किसी भी पेज पे किसी भी जगह सब जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर भी, ठीक है। तो देखिए, मैं कैलकुलेटर का ऐप ओपन कर लेता हूं। अब देखिए इसे यूज कैसे करना है, ये जो बटन शो हो रहा है ना मैग्निफिकेशन का शॉर्टकट बटन, इसे आपको एक बार दबाना है, तो आपके ये जो है ना इस तरीके से ये आपकी ये बॉक्स आ जाएगी। इस बॉक्स में जो ब्लैक कलर का ये जो बटन दे रखा है ना, ब्लैक कलर का बटन दे रखा है हाथ वाला, इसे आप दबा के रखिए और इसे जो है ना ऊपर ऊपर नीचे स्लाइड करना है इस तरीके से। तो आप देखिए इस तरीके से आप ये मैग्निफिकेशन करके आप देख सकते हैं, मतलब इसे बड़ा करके देख सकते हैं कोई भी छोटी छोटी चीज को। आप देखिए ये जो है ना इस पेज के अंदर, इस पेज के अंदर ये जो अगर आपको स्क्रीन को बड़ा करना है तो इसे इस तरीके से दो उंगलियों को रखिए और इसे इस तरीके से दूर ले जाइए, ठीक है। तो आपका ये जो मैग्निफिकेशन के अंदर का पेज है ना, ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप दो उंगलियों को पास में लाकर आप इसे जो है छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसे छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आपके ये जो मैग्निफिकेशन का ये जो पेज है ना, इसमें आपको नीचे की साइड आपको ये एक बॉक्स दिखाई देता है ब्लैक कलर का बटन सा, इसे आप दबाएंगे ना, ये देखिए इस तरीके से दोबारा शो हो जाएगा। इसे आप दबाएंगे ना तो ये देखिए आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन इस तरीके से बड़ी हो जाएगी, मोबाइल फोन के चारों ओर एक रेड लाइन बन जाएगी। आप इस स्क्रीन को ना दो उंगलियों से एक साथ मूव, दो उंगलियों को एक साथ रखिए स्क्रीन के ऊपर और आप इसे ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, स्क्रीन को। और इसे जो है ना जूम को इस तरीके से दो उंगलियों को रख के पास में दो उंगलियों को लाइए, तो जूम को आप कम भी कर सकते हैं और जूम को ज्यादा करना है तो इस तरीके से आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर हम सेटिंग जो है ना जब यूज करते हैं कोई छोटी छोटी इमेज या लेटर लिखा होता है उसे हम ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं, उसको बड़ा करके देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का। इसका यूज करेंगे तो इससे क्या होता है, आपकी जो इमेज होगी ना वो फटेगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, एकदम क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। अगर वो पहले से धुंधली है तो वो उतना ही धुंधला दिखाई देगा, मतलब जो पहले से जैसा का वैसा का है ना वो, तो वैसा का वैसा ही दिखाई देगा इससे जूम होने पर। आप अपने मोबाइल फोन के नॉर्मल कैमरे से अगर आप जूम करेंगे ना तो वो इमेज जो होगी या लेटर होगा कोई भी चीज होगी वो फटने लग जाती है, लेकिन इस सेटिंग का यूज करने से वो इमेज बिल्कुल भी फटेगी नहीं, ठीक है, जूम ज्यादा करेंगे तो। ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में।